नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया। 7 मैच 7 जीत और सेमीफाइनल में जगह पक्की। तो अब टीम इंडिया का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। और वहां पर भी टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को हराते हुए जो विजय रथ चल रहा है उसको जारी रखना चाहेगी। हालांकि इस मैच से पहले ही उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया को कि हार्दिक पांड्या पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं और प्रसिद्ध कृष्णा को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। अब हार्दिक पांड्या तो वैसे कुछ मैच पहले भी बाहर हो गए थे, लेकिन जो गेंदबाज उनकी जगह खेल रहे हैं, जो बल्लेबाज उनकी जगह खेल रहे हैं, उन्होंने अभी तक उनकी कमी महसूस होने नहीं दी है। तो उम्मीद करेंगे कि इन फॉर्म साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सारे के सारे खिलाड़ी अपने रोल को बखूबी निभाएंगे। वहीं साउथ अफ्रीका की बात करें तो 7 मैच उन्होंने भी जीते हैं, 6 मैच में जीत हासिल करी है, 1 मैच में हार, और हार भी किसके खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ। तो ये मैच खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। इस मैदान की पिच रिपोर्ट क्या कहती है, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करेंगे, और यही नहीं आपका फेवरेट सेगमेंट कि फैंटेसी 11 के वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जिन्हें आप टीम में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अगर भारत की बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। मतलब ये कि जो टीम अभी पिछले 1-2 मैचों में खेली है वही टीम आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलती हुई दिखाई देगी। अब साउथ अफ्रीका की बात करें तो क्विंटन डिकॉक शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, टिम्बा बावुमा कप्तान, रासी वांडे डुसेन, एडम मार्करम, हेनरी क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को येनसन, गेराल्ड कोर्ट्जी, केशव महाराज, फगिसो रबाडा और लुंगी एंगिडी। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब पिच की बात करें तो देखिए ईडन गार्डन की पिच को हमेशा से ही बल्लेबाजों के मुफीत माना जाता है। पिच में अच्छा बाउंस होने की वजह से गेंद बल्ले पर काफी आसानी से आती है। हालांकि बल्लेबाजों के साथ साथ इस ग्राउंड पर तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स के लिए भी मदद रहती है। शुरुआती ओवर्स में फास्ट बॉलर को पिच से मदद मिलती है तो स्पिनर्स भी दूसरे हाफ में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इस विश्व कप में खेले गए 2 मैचों में ईडन गार्डन के मैदान पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है और लो स्कोरिंग मैच देखने को आपको मिले हैं। तब आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बताई। अब आपका फेवरेट सेगमेंट वो फैंटेसी 11 के वो 11 खिलाड़ी कौन से होंगे जिन्हें आप टीम में शामिल कर सकते हैं। और बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, कंफ्यूजिंग बहुत है इस मैच में, तो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए हम बताते हैं। विकेट कीपर की बात करें तो केएल राहुल और हेनरी क्लासन और डिकॉक, ये 3 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तीनों के तीनों रनों की बारिश करने के लिए जाने जाते हैं। डिकॉक तो 4-4 शतक लगा चुके हैं, क्लासन तूफानी पारी खेल रहे हैं, राहुल भी अच्छी पारियां खेल रहे हैं। तो विकेट कीपर में आपके पास हो गए 3 ऑप्शन। बल्लेबाजों की बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन 2 को छोड़ के और किसे लेंगे आप, 2 को रख लीजिए, पॉइंट्स जीतेंगे। इसके बाद ऑलराउंडर की बात करें तो मार्को येनसन और एडम मार्करम, दोनों ही खिलाड़ी बल्ले से भी इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन कर चुके हैं, गेंदबाजी से भी कमाल कर चुके हैं। तो आपको गेंद, बल्ले और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में पॉइंट्स दिला सकते हैं। गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और रबाडा, तो ये 4 गेंदबाज है। अब कप्तानी की बात करें तो विराट कोहली जिस टीम में हो उसमें दूसरे खिलाड़ी को कप्तानी देने के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। तो विराट कोहली इस टीम के कप्तान और इस वर्ल्ड कप में 4 शतक लगाने वाले बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को हमने बनाया है वाइस कैप्टन। तो आप बताइए दोनों टीमों को देखने के बाद कि क्या आप हमारी टीम से संतुष्ट हैं, क्या आपको लगता है कि ये टीम अच्छी है, या आपको लगता है कि नहीं इस खिलाड़ी की जगह दूसरे खिलाड़ी को शामिल किया जाना चाहिए था। तो वो कौन से खिलाड़ी होंगे जिनको आप बाहर करके अंदर लाना चाहेंगे। वहीं क्या भारतीय टीम, क्या भारतीय पेस बैटरी साउथ अफ्रीका के इनफॉर्म बल्लेबाजों को रोक पाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो टीम उनके सामने आई है सबको पीटा है, उनकी ताकत है उनकी अब बल्लेबाजी, हमारी ताकत है तेज गेंदबाजी। तो मुकाबला होगा रोमांचक। आप किसके साथ है, क्या भारत 8वां मैच भी लगातार जीतने वाला है या
साउथ अफ्रीका भारत को नंबर दो पे पॉइंट टेबल में नंबर दो पे खिसका देगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।